हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का रिजल्ट जो है आ चुका है एंड होपफुली आप सभी लोग अपने अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एस्पेक्ट्स ऑफ योर इंटरव्यू एग्जाम। और आप यदि इन 10 पॉइंट्स को इंटरव्यू के दौरान याद रखते हैं, फॉलो करते हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू एग्जाम। सो फ्रेंड, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट आपको इसी तरीके से नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से अच्छे चलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, क्या है वो 10 पॉइंट जिसको आपको इंटरव्यू के दौरान याद रखने हैं, जिसमें पहला पॉइंट है रिमेन नॉर्मल एंड पॉजिटिव। आप जब इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो अपने आप को नॉर्मल रखना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट नंबर 2 इज़ बी पोलाइट एंड हैविंग गुड फेशियल एक्सप्रेशन, नॉट टू बी अंडर स्ट्रेस। आप अपने किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को पोलाइटली मैनर में देने हैं और हैविंग गुड फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वेरी कूल एंड काम होने चाहिए एंड विदाउट अंडर स्ट्रेस होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है बी अवेयर ऑफ योर फैमिली हेरिटेज स्कूल एंड फ्रेंड। जो अवेयरनेस है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूअर द्वारा पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी सोशल अडॉप्टिबिलिटीज़ एंड सोशल बिहेवियर को चेक किया जाता है, जिसमें कॉमन क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, योर स्कूल बैकग्राउंड, ऐसे करके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जिसमें एक कैंडिडेट्स की सोशल अडॉप्टिबिलिटी, सोशल बिहेवियर को चेक किया जाता है ईजिली। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवॉयड ब्लफ, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं इसमें फेल हो जाते हैं। यानी यदि आप किसी क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं, देन यू हैव टू आंसर से डायरेक्टली, सर सॉरी सर आई डोंट नो। आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को यदि नहीं जानते हैं तो आपको इंटरव्यूअर को इधर उधर घुमाना नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। एंड इंक्लूडिंग दैट, आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक तरीके से यह इल्यूशंस हैं कि इंटरव्यूअर जो होता है वो केवल इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन होता है, इंग्लिश ही केवल आपको आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आपको हिंदी में आंसर देना है। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, देन यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस इन इंग्लिश मीडियम ओनली। सो फ्रेंड्स, यदि आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उस मीडियम को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 इज़ हैविंग रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, यानी कि आप अपने टीचर्स की कितनी रेस्पेक्ट्स करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु इज़ योर एन आइडियल टीचर, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके आइडियल टीचर कौन है और क्यों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज़ फाइंड ए लॉजिकल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम को, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उसका एक लॉजिकल सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। जैसा कि यदि आपको कहा जाता है एज ए टीचर कि ऑर्गेनाइज वन डिबेट कॉम्पिटिशंस, एंड आप वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटीज न होने के कारण आप प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं, तो आपको क्या क्या उस सोल्यूशंस को कैसे कैसे मैनेज करना है तो आपको लॉजिकली पता होना चाहिए, लॉजिकली आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 इज शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एट होम एंड स्कूल्स, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप अपने घर में किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी अपने पेरेंट्स के साथ कैसे शेयर करते हैं, अपने स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि आप टीचर हैं तो स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर्म में आप काम करते हैं तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे उनके साथ शेयर करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज़ आंसरिंग इन नेचुरल वे। आपका जो आंसर देने का जो तरीका होना चाहिए वो नेचुरल वे में होना चाहिए, कोई भी जो सुपरफिशियल यानी बनावटी किस्म का आपका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, एकदम नेचुरल वे में आपको आंसर्स देना आना चाहिए, जिसकी आप प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 इज़ प्ले टीम गेम्स एंड हैविंग एडवेंचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग। फ्रेंड्स, ये जो है एक क्वेश्चन जो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि आप अपने एक टीम गेम्स में क्या किस पोजीशन में खेलते हैं, आप एक एडवेंचर टूर पर जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जा रहे हैं, यदि आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं
तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ये सब क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैरी आउट वेरियस रिहर्सल्स फॉर इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। फ्रेंड्स, बिफोर दैट, यानी कि जब आप अपीयर होने जा रहे हैं, उससे पहले कम से कम पाँच से दस जो है एक तरीके से मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिसेज जो है अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अपने एल्डर ब्रदर्स, एल्डर सिस्टर्स जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप ज़रूर एक बार रिहर्सल करिए, सो दैट आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी हेजिटेशंस को ईजिली जो है मिनिमाइज कर सकें। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक्सपेक्टेड एंड कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं एक्सपेक्टेड होते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, और क्या कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि हर एक इंटरव्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, मीन्स इंटरव्यू ऑब्लिक पर्सनल इंट्रैक्शन। एंड यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।